वेलकम दोस्तों, मैं हूँ सतीश भालेराव। आप देख रहे हैं सतीश भालेराव ब्लॉग चैनल। तो मैं अभी ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ, फर्स्ट ब्लॉग है मेरा बाइक पर। और मेरा जो सामान है, मैंने क्या क्या ऑनलाइन लिया है अमेज़ॉन से, ये है मैग्नोपॉड की, रॉयनेक की मेरी बैग, ये मेरे बाइक को कैसे चिपक जाती है, मेरे हेलमेट, एक ये स्टील बर्ड का हेडफोन हेलमेट, उसको मैंने जे हुक लगाया है। और जे हुक लगा के मैं हेलमेट में, ये गोप्रो हीरो 7 कैमरा है, ये मैं इसको माउंट करूँगा। एक बार गिरा भी था, आप शॉट देखना चाहते हो तो देखो, एक बार ऐसे गिरा था मैं। तो ये जे हुक मैंने एकदम 3M टेप से मैंने फिट किया है, उसके अंदर मैंने एक बेस बनाया है एम सेल का, और ये हेलमेट मेरा फिटिंग हो गया। अभी देखो मेरी एक दो बैग है, एक बैग देखो ये एक जो बैग है, ये रॉयनेक की मैग्नापॉड बैग, ये बहुत अच्छी बैग है बैग बाइक पर लेने के लिए। अगर इसे हम रेगुलर यूज़ करने के लिए चाहते हो तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। और ये हुक इधर से जाता है और इसको मैग्नेट है। बहुत अच्छी बात क्या है कि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये मैग्नेट गाड़ी को डायरेक्ट चिपक जाता है, बार बार हमें ये जो बैग है ना, इसको लगाने का कोई टेंशन ही नहीं, सीधा बाइक पे रख देते हैं तो फिटिंग हो जाती है। यहाँ पर मेरा मोबाइल रख सकते हैं, मैं अंदर से इधर से मेरा GPS चेक कर सकता हूँ, इस तरफ में मेरा मोबाइल फ़ोन या कुछ भी। अभी GoPro Hero 7 में बाइक पे ख़राब हो जाता है तो ये रूमाल से मैं लेंस साफ़ करने के लिए जगह है, इधर से आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। और यहाँ पर मेरा सनग्लासेस बैठ जाता है, इसके अंदर में ये बेल्ट भी आ जाते हैं, लेकिन ये बेल्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ जाती है। ये बेल्ट है ना, ये दो बेल्ट भी आता है उसके साथ में, लेकिन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे लगा था कि ये ज़्यादा फिटिंग करने के लिए होगा, लेकिन ये बाइकर बैग बहुत अच्छी बैग है। ये बैग से नाव का है ये याकिंग जो भी कह सकते हैं उसको। ये मैंने 1000 रुपये में DMart से ख़रीदा था, ये भी कपड़े वगैरह रेगुलर यूज़ के लिए मैंने लिया था। और ये मुझे बैग बहुत अच्छी लगी, रॉयनेक की मैग्नापॉड बैग, उसके अंदर सामान भी इतना बैठ जाता है ना कि बहुत ही। मेरा देखो ETD कैमरा, ट्राईपॉड, हार्ड डिस्क, और यहाँ पे कुछ चार्जर वगैरह बहुत सामान है। और ये अमेज़ॉन का जो अमेज़ॉन का जो कवर है वो मैंने बनाया है, यहाँ पर चेन भी है, उसको मैंने बहुत सामान बैठ जाते हैं इसके अंदर भी, ऊपर भी दो चेन है, यहाँ पर भी अंदर से भी कुछ सामान है, ऊपर से मेरा मोबाइल भी रहता है। मैं आपको गाड़ी पे चिपका के दिखाता हूँ ये कैसी चिपक जाती है। और अभी मैं निकल रहा हूँ पुणे, मेरे गांव से संगम नेर से पुणे को। और ये जो रूटिंग है ये लगभग 150 किलोमीटर का है। अभी बजे है 1 बजे अभी, तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और लगभग मुझे 3.5-4 घंटा लग जाता है पुणे पहुँचने के लिए। तो ये बैग, एक हेलमेट, GoPro Hero 7 कैमरा, और हेलमेट को माउंट करेंगे। और ये देखो मैं मेरे बाइक को कैसे लगा देता हूँ, और अभी ये मैंने ऐसे उठा लिया, ये सीधा आके ये ऐसा चिपक गया, देखो कुछ भी ज़रूरत नहीं। अगर ये फिटिंग हो गया तो समझो एक बार ये हिलेगा भी नहीं, डुलेगा भी नहीं, और इधर से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी। कुछ बेल्ट बिल्ट मत पहनो, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। एक हेलमेट, हैंड ग्लोव ऑनलाइन नहीं लिया है, जैकेट ऑनलाइन लिया है, सनग्लासेस ऑनलाइन लिया है, बैग ऑनलाइन लिया है, माइक्रोफोन हेलमेट ये भी ऑनलाइन लिया है, लगभग 2200 रुपये में आता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट लगा मुझे। मैं लास्ट टाइम वापस आ रहा था ना, तभी मैंने इसका अंदाज़ लगाया कि इस हेलमेट से कोई तकलीफ़ नहीं होती। कि मुझे सिर्फ एक खासियत है इससे कि जब मैं इसमें ये जो हेलमेट मैं ऐसे ऊपर करता हूँ ना, इधर कैमरा अगर माउंट किया तो मुझे वाइज़र ऊपर लेना है, तो मैं यहाँ से बाकी की हेलमेट को यहाँ पर जगह रहती है साइड से ऊपर करने के लिए, लेकिन कैमरा यहाँ तक आता है तो ये ऊपर करने को ये वाइज़र की जो हुक है ये साइड में होना चाहिए, तो ये आगे है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, इधर से कॉल रिसीव कर सकते हैं, उसके अंदर में माइक्रोफोन भी है बहुत अच्छे से, हेडफोन है हेडफोन, और माइक भी है उसके अंदर। वॉइस रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो GoPro Hero 7 से या मोबाइल से, रिकॉर्डर से, कहीं से भी बहुत ही अच्छा वॉइस रिकॉर्डिंग हो जाता है। मैं अभी ब्लॉग शूट करके आपको दिखाता हूँ बाइक से राइड करके, तो आपको पता चलेगा कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, ऑडियो वीडियो। यहाँ पर ये एकदम फिटिंग किया है, एक बार कैमरा गिरा था, तो ये जो जे हुक है ना, ये जे हुक बहुत, इसमें भी मैंने क्या बोलते हैं उसको,
फेविक्विक डाल के मैंने फिटिंग किया है और ये एम सील से फिटिंग किया है। अभी देखो ये देखो एकदम फिटिंग हो गया। और ये जो मेरा मोबाइल है मैं यहाँ से जीपीएस लगाता हूँ, अब देख सकते हैं कि अभी 151 किलोमीटर का राइट है पुणे से, इधर से संगमनेर से मेरे गांव से पुणे तक जाने के लिए। और ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल मेरा फिटिंग किया और देखो मैं यहाँ से ऑपरेटिंग कर सकता हूँ और ये चला जाएगा यहाँ पर, बहुत ही अच्छा फिटिंग बैठ जाता है। और इस रूमाल को उस तरफ मेरे लिए रखना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी, गाड़ी पे लेंस ख़राब हो जाती है। पिछली बार मैं आया था नाइट को तो लेंस बार बार ख़राब हो रही थी, उसमें पानी पड़ जाता था कैमरे के लेंस पर, तो साफ़ करने के लिए कपड़ा चाहिए हमेशा, बार बार आधा घंटे बाद अपना कैमरा साफ़ करना चाहिए। और चलो मैं अभी हेलमेट को कैमरा माउंट करता हूँ। एक चीज़ बताना मैं भूल गया आपको कि इसके अंदर वाटरप्रूफ चेन है, इधर से अंदर से कभी पानी नहीं चला जाता है। और इसके अंदर में भी अगर अंदर से पानी चला जाता है तो ये कवर भी है, बहुत बड़ा कवर है, पूरी बैग ऊपर से भी झक जाती है और अंदर भी सामान रख सकते हैं इसके अंदर। और क्या बताऊँ यार, बहुत अच्छी पसंद आई मुझे बैग, ये लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी महंगी चीज़ खरीद पाऊँ, लेकिन बहुत यूट्यूबर के पास मैंने देखा कि ये ही बैग यूज़ करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि चलो एक बार ले लूँ। ये हेलमेट फिटिंग हो गया मेरा और अभी इधर से मैं 3 बोट का जगह छोड़ता हूँ, 3 बोट का अंतर छोड़ता हूँ और तभी मेरा ये प्रॉपर बैठ जाता है। और ये हेलमेट मैंने लगा दिया और अगर ऊपर करना चाहता हूँ तो मैं ऊपर कर सकता हूँ ऐसे, अगर नीचे करना है तो ये नीचे भी कर सकता हूँ। मेरे मिरर से चेक करता हूँ कि कैमरा चालू है कि नहीं। ओके, कैमरा रिकॉर्डिंग चालू हो गया और यहाँ से मैं ऐसे बैठता हूँ बाइक पे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अभी किलोमीटर है गाड़ी का 555। अभी मैं मेरा एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से, ठीक है? तो ये मेरा अभी कैमरा भी इधर से बैठेगा और मैं निकलता हूँ। चलो गणपति बप्पा मोरिया। और ये कैमरा भी हो गया मेरा फिटिंग यहाँ से, और मैं गाड़ी तेज भी चलाऊँ तो भी मेरा आवाज़ ठीक से आएगा मुझे लगता है, और मैं गाना सुन के आपको आवाज़ दिखाता हूँ इस हेडफोन का। अभी ये बाहर से गाना सुन रहे हो ना? अरे अच्छा सॉन्ग लगा देते हैं ना। और इसके स्पीकर का आवाज देखो। बहुत ही बेस इसका, खतरनाक है ना इसका, बहुत बेस है इसके अंदर। मैंने पहले राइड किया है, मुझे अनुभव है इसका, और एक बार भी मुझे तकलीफ नहीं हुई कहीं, इसलिए मैं इस हेलमेट का रिव्यू पेड नहीं आप हमारा, सिर्फ मैंने खुद में खरीद के, मैं ऐसे कोई कंपनी ने नहीं दिया है मुझे। और ये देखो ये कैमरा भी चालू है और सॉन्ग भी चालू हो गया। चलो गणपति बाप्पा का नाम लेते और चला गणपती बाप्पाचं नाव घेऊया आणि गाडीला पहिलं चालू करतो। ओके, इकडे फिरव कॅमेरा। चलो ऐकून